सिर साम्राज्ञी लता मंगेशकर अस्वस्थ होने के चलते लगभग एक महीने से अस्पताल में थी। लता मंगेशकर एक महीने अस्पताल में रहने के बाद घर वापस आ गई हैं। अस्पताल से लौटने के बाद स्वर कोकिला ने जल्द ठीक होने की दुआ करने वालों को अपने सोशल मीडिया अकाउंट से लोगों का धन्यवाद दिया। लता मंगेशकर की तस्वीरें इंटरनेट पर वायरल हो रही है। वायरल हो रही इन तस्वीरों में वह अस्पताल की नर्सों के साथ नजर आ रही है। लता मंगेशकर निमोनिया का इलाज कराने के बाद रविवार को घर लौटी हैं। 90 वर्षीय गायिका को सांस लेने में परेशानी हो रही थी, जिसके चलते 11 नवंबर को मुंबई के ब्रिज कैंडी अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया था। 28 सितंबर 1929 को जन्मी लता मंगेशकर 90 वर्ष की हैं। उन्होंने 36 भारतीय भाषाओं में गाने रिकॉर्ड किए हैं। उन्हें 2001 में भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। इसके साथ ही उन्हें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों के अलावा दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। निमोनिया होने के चलते लता मंगेशकर की हालत खराब हो गई थी, जिसकी वजह से उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। अस्पताल में रहने के दौरान लता मंगेशकर की मौत की अफवाह भी उड़ाई गई थी, जिसका उनके परिवारजनों ने खंडन किया था। सिर साम्राज्ञी अब पूरी तरह से स्वस्थ होकर घर लौट चुकी हैं और सोशल मीडिया पर हॉस्पिटल स्टाफ के साथ उनकी तस्वीरें वायरल हो रही हैं। लता मंगेशकर ने अस्पताल स्टाफ का भी ट्वीट कर धन्यवाद दिया। लता मंगेशकर ने लिखा, मेरे ब्रिज कैंडी के डॉक्टर सच में फरिश्ते हैं। यहाँ का सभी कर्मचारी वर्ग भी बहुत अच्छा है। आप सबकी मैं पुनः एक बार मन से आभारी हूँ। ये प्यार और आशीर्वाद ऐसे ही बना रहे। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।